वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया अब रहा के सदर अब शर सदर जो दो नोयत का आपके साथ हुआ है एक बात नहीं एक जाहरी जाहरी जो शर सदर उसको शक्के सदर कहते हैं जाहरी सदर को शक्के सदर कहते हैं सीने का खुलना और यह नबी करीम सोलम के साथ चार मरतबा हुआ यानी आपके सीने को चीरा गया और सीने को चीर के आपके दिल को निकाला गया और दिल को जय व ज़मजम से धोया गया या आब कुदरत से धोया गया फिर उस, उस दिल के अंदर से खून की फुटकी निकाली गई तो इस तरह की जो नोयीत पेश आई ये चार मरतबा पेश आई सब पहले दो साल के जब आप थे और हलीमा सदिया बीबी हलीमा सदिया के यहाँ जब जेर परवेश जो आपके रज़ाई माँ हैं क्योंकि वह उस वक्त अरब के कबाइल के अंदर यह रिवाज था के दो साल तक बच्चे को दाइयाँ संभालती थी दाइयाँ उनको चक देहात में ले जाती थी, देहात का खुला और ताज़ा हवा के माहौल के अंदर उन बच्चों को दूध पिलाती थी ताकि बच्चा सेहतमंद रहे और बात चक देहात की साफ सुथरी शहरों शे, बाज़ारों की आलूदा हवा से महफूज़ रहे दो साल के बाद फिर वो ले आते थे असल माँ के पास फिर माँ उसकी तरबियत पर करती तो जिस ज़माने में अदीमा शादिया के हाथ थे तो अलीमा सादिया के हाथ एक गालब दो साल की उम्र थी उस वक्त जो है हज़रत हज़र ज़िब्रत और हज़रत हज़र मिकाईल सलाम ये दोनों फरिश्ते आए और ये अलीमा सादिया के जो दूसरे बच्चे और बच्चे थे उनके साथ खेल रहे थे और ये मलाइका आए और उन्हें अज़बल वजूर सल्ला वसल्लम को लिया और आपको लेठाया आपका सीना चीरा सीना चाक करके दिल निकाला और दिल को खोल के दिल में से एक खून की फुटकी फेंकी ये खून की फुटकी क्या थी बचपन की का लाउबालीपन था कि बचपन में बच्चा बचपन के अंदर जो शरारतें करता है और बचपन के अंदर जो है जो उसके अंदर कोई ऐसी बदतजीबें पैदा हो सकती हैं वो चीज निकाल कर फेंक दिए दिल, दिल को शफाफ कर दिया और आब कुदस के साथ धो के उसके सीने को दोबारा से सी दिया जब यह नोयत पेश आई तो इधर जब बच्चों ने सूरत हाल देखी कि दो फरिश्ते आए उन्होंने लिटा लिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनका सीना चाक किया है तो बच्चे डर के भागे जाके बीबी हलीमह को बताया कि वो तो कोई आगे लोग उन्होंने उनको उन्हों हलाक कर दिया बीबी हलीमा दौड़ी भी आई आके देखा तो हजूर सल वसलम खड़े हैं लेकिन चेहरा जरद है परेशान खड़े हैं, जैसे बच्चा छोटा तो वो इधर देखा कुछ कोई भी नहीं है सब गायब लेकिन बच्चों ने कहा नहीं नहीं ये दो आदमी थे उन्होंने ऐसा ऐसा किया लेकिन आप सल्लम के चेहरे की, की नोयत हालत देख अंदाज़ा हो गया कि हाँ वाकई कोई क़्सा पेश आया है लिहाजा उसके बाद जो हलीमा हलीम शादी जो खौफ़जदा हो गई कि पता नहीं ये ना हो कि इस बच्चे को नुकसान जाए लिहाजा उस बच्चे को लेकर मदीना वापस आ गई और आके जो है उनको हवाले किया कहा कि मुझे तो खौफ है ऐसा था वाक़ कोई पेश आया है मैंने तो देखा नहीं बच्चों ने कहा है लिहाजा आप और इधर दो साल की मदत भी पूरी हो गई थी और आके जो है उन्होंने बीबी हलीमा ने रसूल को हवाले कर दिया ये पहला वाक़ उस वक्त आया और दूसरा वाक़ जो है जब आपकी उम्र जो है दस साल की थी उस वक्त वाक़ पेश आया आपका जो है इसी तरह का सीना चाक किया गया और सीना चाक करके दिल को निकाला और यही दो फरिश्ते तशीफ लाए और आपका सीना चाक करके दिल में से उन्होंने दिल में से क्या निकाला ये अभी दस साल के बाद जवानी का स्टेप आने वाला है तो जवानी का जो जुनून बच्चों पर आता है और जवानी के अंदर जो ग़ब और शैब तारी हो जाती है गज़ब के अंदर इंसान हर छोटे बड़े को जो है मारपीट करता है और हला करता है और शेब के अंदर जो है वो बेहंगम जिंदगी में पड़ जाता है तो ये गजब और शेवत का जो एक अनसर था वो वहां से निकाला और मेहरबानी और शफकत आपके अंदर परो दी गई ताकि आप वो हर बड़े छोटे पर शफकत आए छोटों पर भी शफीक हो बड़ों पर भी शफीक हो कि आप छोटे बड़े सब के लिए पैगाम के आने वाले हैं और ये जवानी के जुनून के वक़्त में ऐसा ना हो कि ये कोई ऐसी जो हरकत कर बैठे जो आपके मनसब के मुनाफी हो लिहाजा आपके सीना चाक करके उस वज वो आपके अंदर से वो कीना बदखाई बोगज़ कज़ब ये सब निकाल दिया और जो उसको जो है आब कुदस के धो के शफाफ करके जो दोबारा सीना आपका चीर ये सी दिया तो ये दस साल की उम्र में उसके बाद तीसरा जो वाक्य पेश आया ये जो है वो बेस से कुछ अरसा पहले जब आप गारी हिर के अंदर इबादत के लिए जाया करते थे तो उस वक्त जो है जो नबुबत आपको मिलने वाली उससे कुछ अर्सा पहले, उसके पहले उस हलीमह इतफाक़ से हजर कुबरा रजी अल्लाह उस वक्त मौजूद थी उस वक्त हजर ज़िब् सलासलाम और हजर मीकात वाम जो है वो तशीफ लाए और आपका सीना जो है वो चाक किया चाक करके जो आपके दिल को आप जमजम के साथ धोया और आपके दिल के अंदर हिकमत को भर दिया इल्मिकमत भर दिया और तहमुल बुरदबारी भर दी क्योंकि आप बार नबूबत मिलने वाला है और बार नबूबत जब मिलेगा तो नबूबत के लिए दाव तबलीग के लिए निकलेंगे तो अपने और पढ़ाए सारे सामने होंगे अपनों की तरफ से हो सकता है मोहब्बत मिले लेकिन पढ़ाओ की तरफ से अदावत मिल सकती है और यह भी हो सकता है कि अपनों की तरफ से अदावत पहले मिले और वही हुआ कि अपनों की तरफ से आप पर आजमाइश पहले आई क्योंकि आपको अपनों को दावत देने का पहले हुक्म हुआ लिहाजा वह आपके कदम के अंदर वो तहमुल बुरदबारी वो सब्र हौसला भर दिया गया ताकि जो है ऐसी कोई सूरतयाल पेश आए तो आप उसको फेस कर सकें मुकाबला कर सकें उस वक्त आपको जो है वो कलब के अंदर ये जब वो इल्म और हिकमत भरा गया और चौथा जो वाकया ये मेराज के वक्त पेश आया जब मेराज पर लेकर जाना था उस वक्त जो आपको जो मिकाइल और जिब्राइल दोनों फरिश्तों ने आपको जो सीने को चीरा और आपके कल्ब वारी को निकाला आप जमजेब में धोया और उसके अंदर तामल वुरदबारी और इल्मिक भर दिया और वो किस वो क्या चीज़ भरी वो असल में आलम गैब के अंदर जाने वाले हैं वो सातों आसमानों से ऊपर सिदरतुलमनतहा उसके बाद जो है उसके ऊपर मला आला तक आप पहुंचने वाले हैं वो है कि आपने इतनी मराज करके मकामी खुद यह आदियत तक पहुंचना है तो इतना तवील तरीन सफर और यह परवाज की का तहमुल और फिर यह कि आलम गैब के अंदर जब जाएंगे तो आलम के गैब के मनाजिर पहले आसमान के नज़ारे दूसरे आसमान तीसरा आसमान चौथा आसमान पाँचवा आसमान छठा सातवां फिर उसके बाद जो है शदरत मुंत फिर उसके ऊपर जो है मकाम शरीफ अकलाम फिर मकाम यदियत फिर पैगम्बरों से मुलाकातें जन्नत दज़र के नज़ारे तो गैब का पूरा निज़ाम खुलना था उसके तहमुल की ताकत पैदा करनी मखसूद थी ताकि उसको देखने की ताकत तहमुल आपके अंदर रहे इसलिए जो आपके अंदर वो व हिकमत और वो गुरुद्वारी और ताकत आपके अंदर भर दी गई ताकि जो आलम गैब का मुशाह आप उस शान से कर सकें और वही हुआ कि फिर आपने ये मेराज की और फिर अल्लाह तबारक व तारा के यानी मकामी आहदे तक पहुँचे और सर की आंखों के साथ दिल की तवज्जो और सर की आंखों के साथ अल्लाह तबारक वताल दीदार किया और वहाँ जो अल्लाह तबारक वाल आपसे हम कलाम हुए और वहाँ पर भी अल्लाह तबारक वताल ने आपको जो है इनाम में से एक इनाम नमाज़ का दिया ये नमाज का तोहफा वहाँ पर को मिला फिर आमन रसूल की आखरी जो आखिरी जो आयात है बकरा की वो आपको इनाम के तौर पर मिली इसी तरीके से ये इनाम मिला कि अहम्मद आप आपकी उम्मत में से जो शिरक नहीं करेगा हम उसकी बख्शिश कर देंगे शिरक से जो बचेगा हम उसकी बख्शिश कर देंगे तो क्या कि यह बशारत आपको अताकी की तो गए कि तुम तो मेराज का ये सफर करना था तो आपके दिल के अंदर वो तहमुल आलम गैब को देखने और उसको जजब करने की पैदा हो जाए वो आपके कलब के अंदर भरी गई तो ये शरा सदर जो जाहरी उन्वान में ये चार मरतबा हुआ जिसको शक्के सदर कहते हैं और दूसरा शरा सदर कि आपको जो शरा सदर यानी बातरी तौर पर अता किया गया उसमें मैंने बताया सबसे बड़ी चीज के दिन इस्लाम का शरा सदर आपको रसीब हुआ यानी दीन इस्लाम के हकायक और बारिफ आप पर खोल दिए गए